नमस्कार दोस्तों, विनू किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे काचे और फली की सब्जी, यानी ये देसी सब्जी है और बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होती है। तो जिस तरीके से मैं बना रही हूँ, उस तरीके से अगर आप भी इसको बनाओगे तो बच्चे भी बड़े ही चाव से खाते हैं। नहीं तो ऐसी सब्जियाँ बच्चे खाना पसंद नहीं करते, लेकिन इस तरीके से हम बनाते हैं तो बच्चे भी खा लेते हैं, बड़े बूढ़े जवान सब खा लेते हैं इस सब्जी को, यानी चटकारे लगाएंगे। बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होती है। और दूसरी, ये देसी सब्जी है, इसमें कोई केमिकल वगैरह का रिस्क भी नहीं होता और हेल्दी भी होती है हमारे शरीर के लिए। तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्जी बनाने के लिए मैंने काचरी ली है। यहाँ पे काचरी को 4 भाग में मैंने काट के इसको तैयार कर लिया है। इसका छिलका मैंने नहीं हटाया है, क्योंकि छिलका हटाने के बाद काचरी का टेस्ट ही नहीं आता है, मज़ा ही नहीं आता। अगर आप चाहो, आपको अच्छा नहीं लगता तो आप हटा सकते हो। और ये मैंने ग्वार की फली ली है, ये भी देसी ही फली ली है। अगर अवेलेबल हो तो देसी ही लेना, नहीं हो तो फिर आप चिकनी वाली भी ले सकते हो। तो ये भी मैंने काट के धो के तैयार कर लिया है। यानी सब्जियाँ तो हम उसी टाइम धो देते हैं आजकल, क्योंकि मार्केट से लाते हैं। तो मैं तो सर्फ से धो के सारी सब्जियाँ रख देती हूँ, कोरोना वगैरह चल रहा है। पहले हम विनेगर से धोते थे, लेकिन आजकल सर्फ से धोने लगे। ये हरी मिर्च मैंने काट ली है, ये भी मैंने बड़ी ही चॉप की है, छोटी नहीं की, क्योंकि बड़ी में अच्छा लगता है और खाने में भी टेस्टी लगता है। खूब सारा इसमें लहसुन लेंगे, लहसुन खूब सारा ही लेना, जब ज़्यादा अच्छी बनती है ये। आधी चम्मच हल्दी, आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच 1 चम्मच नमक, नमक अपने टेस्ट के अनुसार आप कम ज़्यादा कर सकते हो, और 1 चम्मच ही धनिया पाउडर। यहाँ पे लिया है मैंने साबुत जीरा तड़का लगाने के लिए, और तेल लिया है सब्जी फ्राई करने के लिए। ये मैंने कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी है और इसमें डाल दिया है तेल। तो तेल गर्म होने के बाद हम इसमें जीरा डाल देंगे। तो यहाँ हमारे तेल में से धुआं निकलने लगे, यानी तेल गर्म हो गया। यहाँ मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, इसमें ज़्यादा टेस्टी बनती है सब्ज़ी। बाकी जो आप यूज में लेते हो वो तेल ले सकते हो। तो बड़ा चम्मच तेल लिया था, इसमें मैंने जीरा डाल दिया। जीरा तड़कने के बाद हम आगे सब्जियाँ इसमें डाल देंगे। जब तक जीरा हमारा तड़क रहा है, हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और इस मसाले को मिक्स कर लेते हैं। मसाले को पानी में मिक्स करके ही डालें, हम सूखा मसाला डालते हैं तो वो टेस्ट नहीं आता। या तो हम दही में मिक्स करें या फिर पानी में मिक्स करें। तो इस सब्ज़ी में दही की तो ज़रूरत है नहीं, जो सब्ज़ियाँ खटाई की ज़रूरत होती है उसमें हम दही डाल लेते हैं। और इसमें मैं पानी ही डालूँगी, क्योंकि ऑलरेडी खटाई है इसमें काजरे। और ये मसाला अब हम इसमें डाल देंगे, और केयरफुली डालना। और इसको 2-3 मिनट के लिए हम पकाएंगे मसाले को। हरी मिर्च भी इसमें डाल देंगे। सॉरी, हरी मिर्च हमें पहले डालनी थी, लेकिन मैंने मसाला डाल दिया। कोई बात नहीं, फिर भी ये मसाले के साथ पक जाएंगी। अब इसको 1-2 मिनट के लिए हम लो आंच पे पकाएंगे, यानी ढक्कन लगा के 1-2 मिनट के लिए मसाले को पकने देंगे। तो ये देखिए, 2-3 मिनट के लिए हमने मसाले को पका लिया, और मसाले ने तेल भी छोड़ दिया है, यानी अच्छे से मसाला पक के तैयार हो गया है। अब हम इसमें फली डाल देंगे। और ये काचरी भी इसमें डाल देंगे, दोनों को साथ ही डाल लेंगे और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। सारा मसाला हमने इसमें ऐड कर दिया है, सिर्फ लहसुन ऐड नहीं किया है। लहसुन हम लास्ट में ऐड करेंगे ताकि उसका फ्लेवर बरकरार रहे, और वैसे भी वो हेल्दी होता है। इसको अच्छे से मिक्स करके 2-3 मिनट के लिए अब इसको कैप करके और पकाएंगे हम। उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल के पकाएंगे। अब इसमें सब्जियां ऐड करने के बाद हमने 3-4 मिनट और पका लिया है इसको, मीडियम आंच पे ही पकाना है। तो ये देखिए, अच्छे से इसमें मसाला अब्जॉर्ब कर लिया है। अब इसमें थोड़ा पानी डालेंगे हम, तो 1 गिलास पानी डालेंगे। आप ज़्यादा पानी नहीं डालना इसमें, ज़्यादा पानी की अच्छी नहीं लगती, हल्की सी तरी की अच्छी लगती है। तो ये पक जाए और हल्की सी इसमें तरी रहे, इतना पानी हम डालेंगे। तो मैं यहाँ 1 गिलास डाल रही हूँ, जो पक भी जाएगी और ये थोड़ी सी इसमें तरी भी रह जाएगी। अब इसको मीडियम आंच पे हम पकने तक, जब तक ये पक जाएं दोनों चीज़ें, काचरा और फली, तब तक इसको पकाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 8-10 मिनट में हमारी सब्जी पक के तैयार हो गई है, और पानी भी बिल्कुल इसमें सही है, और सब्जी अच्छे से पक गई है। अब इसमें हम लहसुन डालेंगे, यानी लास्ट में लहसुन ऐड करेंगे। सब्जी बिल्कुल तैयार है, बस मैं लास्ट में लहसुन ऐड करती हूँ। आप चाहो तो पहले भी ऐड कर सकते हो, लेकिन इसका फ्लेवर लास्ट में ही अच्छा लगता है लहसुन का। पहले डालते हैं तो पता ही नहीं चलता सब्जी में लहसुन भी डाला है कि नहीं। और ये देखिए, सब्जी तैयार है। अब हम इसको ढक के रख देंगे और गैस बंद कर देंगे। जब तक हम चपाती बनाएंगे, तब तक ये सर्व करने के लिए तैयार है। एक बार ज़रूर ट्राई करना, ये रेसिपी बहुत ही अच्छी है दोस्तों, देसी है। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।